सो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग इस तरह की गेमिंग मास्कोट लोगो कैसे बना सकते हैं, वो भी अपने पिक्सेट एप्लीकेशन में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, आप लोग को पिक्सेट एप्लीकेशन में आ जाना और इस PNG को इम्पोर्ट कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंपोर्ट करने के बाद गाइज, आप लोग को इफेक्ट्स वाला ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से नेगेटिव करके इसको डन कर देना है गाइज, जिससे ये वाइट हो जाएगा। उसके बाद गाइज, आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है और उसी PNG को इंपोर्ट कर लेना है जो जिसको आप लोग ने पहले किया था। और इंपोर्ट करने के बाद गाइज, आप लोग को इसे रिसाइज कर लेना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग को भी रिसाइज कर लेना है। और रिसाइज करने के बाद गाइज, आप लोग को फिर से ऐड फोटो पे जाना है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद गाइज, आप लोग को इसको भी रिसाइज कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरह इसे रिसाइज कर लीजिएगा। तो इतना गाइज, आप लोग को डन कर लेना है। उसके बाद फिर से ऐड फोटो पे जाना है और इस ब्लैक वाले PNG को इंपोर्ट कर लेना है और इसको कुछ इस तरह से रिसाइज कर देना है गाइज, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसको कर लेने के बाद गाइज, आप लोग को इसके नीचे से और ऊपर से दोनों को मर्ज कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। आप लोग को नीचे से इसे एक्सटेंड कर देना है और आप लोग को बस उससे मर्ज कर देना है। और इसका ओपेसिटी को आप लोग 46 के अराउंड रख लीजिएगा गाइज, मैं पे 46 के अराउंड रख लेता हूँ। और आप लोग देख सकते हैं गाइज, मेरा अच्छे से मर्ज नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे मर्ज कर लेता हूँ। सो इतना गाइज, आप लोग को देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ से डन कर देना है और फिर से ऐड फोटो पे जाना है और उसी ब्लैक वाले PNG को इंपोर्ट कर लेना है गाइज, और इसको कुछ इस तरह से रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के बाद आप लोग इसको भी मर्ज कर देना है गाइज। तो मर्ज करने के लिए आप लोग को नीचे से एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। आप लोग भी इसी तरह से कर लीजिएगा गाइज, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो गाइज, देख सकते हैं यहाँ से हम लोग डन कर लेते हैं। उसके बाद गाइज, आप लोग को इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद गाइज, आप लोग को इस बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है। सो इंपोर्ट करने के बाद गाइज, आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है और उसी बैकग्राउंड PNG को आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है। और क्रॉप पे जाना है और आप लोग को कुछ इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल में आप लोग को क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद गाइज, आप लोग को इसके साइज़ को इंक्रीज करके इसको थोड़ा रोटेट करके आप लोग को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है गाइज, जैसे मैं यहाँ पे अभी करूँगा। सो आप लोगों को कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है ताकि ये दो कलर में डिवाइड हो जाए, जिससे हम लोग का लोगों का बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिखेगा गाइज। सो यहाँ पे हो चुका है गाइज। इतना गाइज, आप लोग को ड्रॉ टूल में जाना है और ड्रॉ टूल पे आ जाने के बाद गाइज, जो आप लोग पिक सेव किए थे उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और आप लोग अपने हिसाब से इसे लेयर से जाके ट्रांसफॉर्म कर लीजिएगा गाइज इसके साइज़ को। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो यहाँ से हो जाने के बाद गाइज, आप लोग को फिर से एक एम्प्टी लेयर बना लेना है और ऐड फोटो पे जाके आप लोग को मास्कोट लोगो का PNG को इंपोर्ट कर लेना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इंपोर्ट करने के बाद गाइज, आप लोग को इसको ट्रांसफॉर्म करके कुछ इस तरह से अपने फ्रेम में इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा। सो इतना गाइज, आप लोग को डन कर लेना है और देख सकते हैं गाइज, हम लोग का अभी अच्छा लग रहा है। तो इतना गाइज, आप लोग को फिर से एक एम्प्टी लेयर बनाना है और ऐड फोटो पे जाके आप लोग को उसी मास्कोट लोगो को इंपोर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसके साइज़ को थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देना है गाइज, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इंक्रीज करने के बाद गाइज, आप लोग यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से नहीं किए होंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म। सो इतना गाइज, आप लोग को डन कर लेना है और इसके ओपेसिटी को आप लोग को 45 के अराउंड रख लेना है गाइज, और इसको आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर वाले लेयर पे आप लोग को शिफ्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे 47 ओपेसिटी करके आप लोग को डन कर देता हूँ। सो इतना गाइज, आप लोग
को ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ गाइस। तो थोड़ी सी आप लोग को परफेक्शन देनी होगी गाइस, तभी आप लोग को अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और इसको डन कर लेता हूँ गाइस। फिर आप लोग को यहाँ से भी डन कर लेना है। सो इतना ही गाइस, आप लोग को टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और जो भी आप लोग अपना टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो रख लीजिएगा। बस उस टेक्स्ट का लास्ट लेटर को मत रखिएगा गाइस, जैसे कि मैं यहाँ पे जोकर था तो यहाँ पे जोक रख लिया हूँ। सो इतना गाइस, आप लोग को इस फॉन्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग को इंपोर्ट करके आप लोग को इसी फॉन्ट पे अपना टेक्स्ट को रखना है। तो इतना गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लिया हूँ और अपने टेक्स्ट का लास्ट लेटर भी इंपोर्ट कर लिया हूँ। और फिर आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर जाना है और इसका हार्डनेस इनक्रीज का आप लोग कुछ इस तरह से इरेज कर देना है गाइस। और इरेज होने के बाद आप लोग को फिर से रिस्टोर करके आप लोग को साइड से एक स्लैश मार देना है और फिर आप लोग को उसी जगह पे इसको ले आना है। तो मैं यहाँ पे अपने जोकर के बगल में ही ले आता हूँ जोक के। सो देख सकते हैं मैं यहाँ पे, अरे यार गया, इस क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। सो इन्होंने गाइज, आप लोग इसको मूव डाउन कर लेना है गाइज, आप लोग को लेयर वाले ऑप्शन पे जाके, और इसको आप लोग के जोक वाले लेटर के बगल में रख लेना है और इसके स्ट्रोक को आप लोग को 26 के अराउंड रख लेना है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक को 26 के अराउंड रख लेता हूँ गाइज। सो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। सो इतना गाइज, आप लोग को ऐड फोटो पे जाना है और उसी ब्लैक PNG को इम्पोर्ट कर लेना है और इसको क्रॉप करके आप लोग को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में ले आना है। सो इतना गाइज, आप लोग को इसको भी मूव डाउन कर देना है गाइज डबल बार। सो कुछ आप लोग को इसके टेक्स्ट के पीछे आप लोग को कुछ ऐसे रखना है ताकि ये थोड़ी अच्छा लगे गाइज। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और आप लोग को कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है। सो एडजस्ट कर लेने के बाद गाइज, रुकिए मैं यहाँ पे थोड़े से और एडजस्ट कर लेता हूँ गाइज। सो इतना गाइज, आप लोग को फिर से ऐड वाले फ़ोटो पे जाना है और उसी PNG को इम्पोर्ट कर लेना है और फिर से आप लोग को इसके क्रॉप करके रेक्टेंगल या स्क्वायर वाले शेप पे ले आना है और इसे डन कर देना है। और इसको आप लोग को टेक्स्ट के हाफ तक का ही रखना है गाइज, जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आप लोग को इसके हाफ तक ही रखना है और इसके ओपेसिटी को आप लोग को कम कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 38 के अराउंड रख लेता हूँ और इसको कुछ टेक्स्ट के पूरा हाफ कर लेता हूँ और इसे मैं रिसाइज कर लेता हूँ गाइज। तो आप लोग भी इसी तरह कर लीजिएगा और फिर आप लोग को इरेज वाले ऑप्शन पर जाके आप लोग को जहाँ जहाँ वो नहीं चाहिए वहाँ वहाँ आप लोग इरेज कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे जल्दी से कर लेता हूँ गाइज, आप लोग इसी तरह कर लीजिएगा। सो इतना गाइज, आप लोग को डन कर लेना है और यहाँ से भी डन कर लेना है गाइज। सो मैं आप लोग देख सकते हैं गाइज, मैं यहाँ से भी डन कर लेता हूँ और आप लोग यहाँ से सेव कर लीजिएगा। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।